दिवाली हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक माह में गर्मी की फसल के बाद एक त्योहार के रूप में मनाना दर्शाया गया है। 7वीं शताब्दी के संस्कृत नाटक नागनंद में सम्राट हर्ष ने इसे दीप प्रतिपद उत्सव कहा है, जिसमें दिए जलाए जाते थे और नव दुल्हन और दूल्हे को तोहफे दिए जाते थे। 9वीं शताब्दी में राजशेखर ने काव्य मीमांसा में इसे दीपमालिका कहा है, जिसमें घरों की पुताई की जाती थी और घी के दियों से रात में घरों, सड़कों और बाजारों को सजाया जाता था। पारसी यात्री और इतिहासकार अल बेरूनी ने अपने भारत भ्रमण के संस्मरण में दिवाली को कार्तिक महीने में नए चंद्रमा के दिन पर हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार बताया था। दिवाली आते ही बाजार जैसे गुलजार हो जाते हैं। हमारा बाजार ग्रामीण खुशहाली पर निर्भर है। गांव खुशहाल तो शहर भी खुशहाल होगा, ऐसी मान्यता थी। गंगा जमुनी द्वीप के मध्य नदियों, झीलों, तालाबों व नालों से घिरा हमारा शहर ईश्वर का वरदान है। इसी वरदान के कारण फर्रुखाबाद कृषि प्रधान उन्नत क्षेत्र बना। आज विश्व में आलू से हमारी पहचान है। यहाँ का पीतल बर्तन उद्योग कभी चरम पर था। यहाँ बनाए गए पीतल के बर्तन धनतेरस पर संपूर्ण भारत में बाजारों की शोभा बढ़ाते। हिंदू व मुस्लिम दोनों दीपावली धूमधाम से मनाते। नवाबी व ब्रिटिश काल में शिवरात्रि, रामनवमी, दशहरा व दिवाली को राजकीय बंदी होती थी। हफ्तों पहले घरों में सफाई शुरू हो जाती थी। राज दरबारों में साफ सफाई व रोगन पुताई के साथ दरबार लाखों दीपों से प्रज्वलित कर रोशनी से रंग दिए जाते। बादशाह, नवाब व रानियां तथा मुलाजिम स्वयं दिवाली मनाते। सभी मुगल बादशाह सहस्तित्व के साथ रहने में विश्वास करते थे। उन्होंने कभी भी रिश्तों में धर्म को आड़े नहीं आने दिया। बंगश के जमाने में कंपिल में हिंदू मुस्लिम मिलकर धूमधाम से दिवाली मनाते। महीनों मेला लगता। हिंदू व मुस्लिम व्यापारी अपनी अपनी दुकानें सजाते, राजमहल सजाए जाते। नवाब अहमद खां गरीबों में कपड़े बंटवाते, मिठाइयाँ बंटवाते। टाउन हॉल से लाल सराय तक संपूर्ण बाजार सजाया जाता। दरबार में पटाखे आतिशबाजी छुड़ाई जाती। एक बात जो गौर करने की है, हम दिए जलाकर दिवाली मनाना जैसे भूल गए हैं। असल में आधुनिकता में मोमबत्ती व इलेक्ट्रॉनिकी ने दियों को बुझाने का काम कर दिया, जिससे कुम्हारों का चक्का जाम हो गया। ऐसा लगता है हमने अनेकों गरीबों की रोजी रोटी छीन ली। ये कोई धार्मिक त्यौहार नहीं है, इसे हिंदू, मुस्लिम, सिख व ईसाई सभी मिलजुल कर मनाते हैं। प्राचीन काल से आज तक दिए जलाकर ही दिवाली मनाई जा रही है, तो क्यों ना हम अपनी पुरानी सोच को दिए जलाकर बरकरार कर दें। इससे हमारी पुरानी परंपरा जारी रहेगी, साथ ही गरीबों को प्रोत्साहन के साथ खुशी मनाने का मौका मिलेगा। दीपावली के इस पावन पर्व पर अपने सभी दोस्तों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं।